किसान और व्यापारी भाई, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सीधी आप तक पहुंच सके। सभी किसान, व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है वीरवार और तारीख 3 अगस्त 2023। भाइयों, आज डबल मंडी रही, रात को बारिश भी हुई है। आज सुबह का मौसम ठीक रहा, बादल छाए रहे। गूगल वेदर रिपोर्ट के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, कहीं कहीं बारिश का भी अनुमान है। आज आपको फलों व आलू के भाव की जानकारी देंगे मंडी के अनुभवी आढ़ती भाई, और एग्री मंडी टीम अपना अनुभव साझा करेगी। आज आपको पूरी रिपोर्ट देंगे, क्या रहा तेज क्या रहा मंदा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल के साथ कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। भाइयों, हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फलों का भाव जानने के लिए बात करते हैं फलों के स्पेशलिस्ट श्री कमल जी से, और जानते हैं आज का बाजार भाव। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज करनाल मंडी में फलों का क्या कुछ बाजार भाव चला है, ये जानकारी आज आपसे चाहेंगे। उससे पहले सर अपना नाम और फर्म का नाम बता दीजिए, मोबाइल नंबर। मेरा नाम कमल कुमार ढींगड़ा, रजत कुमार एंड कमल कुमार फ्रूट एजेंसी। दुकान नंबर 586, फोन नंबर 98964-44900। आज का फलों का क्या कुछ बाजार चला है सर? आम लंगड़ा जो है 15 से 20 रुपए किलो। ये आम लंगड़ा है? हाँ, लंगड़ा आम 15 से 20 रुपए किलो। 15 से 20 रुपए किलो? हाँ जी। मार्केट बिल्कुल डाउन, मार्केट ब्लैक होने से, बारिश होने की वजह करके आम के रंग बदल गए। ये जो काला काला पड़ काला बरसात आने के से रंग काले हो गए आम के, इसी कारण इसका रेट डाउन चला गया। हाँ जी। और इसके अलावा सर कौन सा आम आया अपने पास? इसके अलावा मेरे पास चौसा है। चौसा? हाँ जी। चौसे का क्या बाजार? ये चौसा 30 से 35 रुपए किलो। 30 से 35 रुपए किलो? हाँ जी। और सर अनार का क्या कुछ? अनार का डब्बा 400 रुपए का भी है, 800 रुपए का भी है। अच्छा, ये 400 रुपए का है और ये 800? ये 800 रुपए का है। मतलब जैसा माल, ये गुजरात का है, ये नासिक का है। अच्छा जी, ये गुजरात का है, ये नासिक का है। ये नासिक का है? हाँ जी। मतलब जैसा माल वैसा दाम? हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा सर मौसमी का? मौसमी 23 रुपए किलो छोटे वाली, मोटे वाली 30 रुपए किलो। मोटे वाली 30, छोटे वाली 23? हाँ जी। और सर केले का क्या बाजार चल रहा है? केला 400 रुपए ग्रेड से लेके 500 रुपए ग्रेड तक। इसमें कितने दर्जन माल? 15 दर्जन 12 दर्जन। 15 से 12 दर्जन? हाँ जी। इसके अलावा सर अपने पास और क्या कुछ फ्रूट आया? नारियल, नारियल है जी, नारियल 450 रुपए पन्नी, 10 पीस। 10 पीस 450 रुपए पैकिंग? हाँ जी। फलों का सर, जैसे बारिश का मौसम चला हुआ है, फलों की बिक्री पे या कुछ कैसा क्या कुछ प्रभाव देख रहे हैं? ऐसे है कि सब्जी महंगी होने से फलों की बिक्री में कमी आई है, फल कम बिकते हैं, सब्जी इतनी महंगी है। फलों की मतलब बिक्री में गिरावट आई है सब्जी महंगी होने से? हाँ जी। और सर इसके अलावा आगे की क्या संभावना है? आगे सब्जी अभी नहीं सस्ती होगी, सब्जी अभी सस्ती होने की संभावना ही नहीं है? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने फलों के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर अपना नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए बस। मेरा नाम कमल कुमार ढींगड़ा। मोबाइल नंबर सर? 9896444900। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज करनाल मंडी में फल व सब्जियों का बाजार भाव इस प्रकार से रहा है। नाशपाती 15 से 30 रुपए किलो, वैरायटी क्वालिटी के हिसाब से। अमरूद भाइयों 20 से 40 रुपए, जैसा माल वैसा दाम रहा है। पपीते का भाव 30 से 32 रुपए किलो रहा है। आज करनाल मंडी में सब्जियों का बाजार भाव इस प्रकार से रहा है। प्याज नासिक 17 से 20 रुपए किलो, प्याज लोकल का भाव आज 13 से 15 रुपए किलो। लहसुन का बाजार 80 से 130, टमाटर करेट 2500 रुपए से 4000 रुपए तक आज करनाल मंडी में बिकी है। मटर भाइयों 80 रुपए से 90 रुपए किलो के बीच बिका है। शिमला मिर्च का भाव 100 रुपए से 110 रुपए रहा है। फूल गोभी 40 रुपए से 50 रुपए किलो, लोकल गोभी जो है वो 30 से 35 रुपए किलो बिकी है। बंद गोभी का बाजार 20 से 25 रुपए किलो रहा है। हरी मिर्च 45 से 50 रुपए किलो, पेप्सी मिर्च 25 रुपए से 30 रुपए किलो आज करनाल मंडी में बिकी है। धनिए का भाव 70 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो रहा है। पालक का भाव 40 से 50 रुपए किलो, पुदीना भाइयों 60 रुपए से 70 रुपए किलो। करेले का बाजार आज 30 से 35 रुपए किलो रहा है।
हरा पेठा 10-12 रुपए किलो, नींबू 40 से 45 रुपए किलो के भाव से बिका है। राम केला अचारी आम 30 रुपए से 35 रुपए किलो तक आज बिका है। खीरे का भाव 12 से 13 रुपए किलो रहा है। घिया का भाव 15 रुपए से 20 रुपए किलो और बाद में घिया भाइयों 10-12 रुपए किलो भी बिकी है। गोल घिया का बाजार 12 से 15 रहा है। तोरी का भाव 20 रुपए से 25 रुपए किलो। बैंगन 25 से 32 रुपए किलो बिका है। भिंडी का बाजार 20 रुपए से 22 रुपए किलो रहा है। भाइयों भिंडी का रेट बाद में मंदा रहा है और बाद में भिंडी 10 से 12 रुपए किलो भी बिकी है। स्वीट कॉर्न 20 रुपए से 21 रुपए किलो। छल्ली का बाजार 9 से 10 रुपए किलो। अरवी 25 से 27 रुपए किलो और मूली 20 से 22 रुपए किलो। फ्रांस बीन का रेट आज 60 से 70 रुपए किलो रहा है और कच्चा केला भाइयों 12 से 13 रुपए किलो बिका है। बाद में कच्चा केला 10 रुपए किलो भी बिका है। अब जानते हैं आलू स्पेशलिस्ट आरती भाई श्री राजू जी से आज का आलू का बाजार भाव। आज काफ़ी दिनों बाद राजू जी ने एग्री मंडी टीम को अपना समय दिया है। एग्री मंडी परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। भाइयों मैं रमेश लावला, आज करनाल में आलू का क्या कुछ बाजार भाव चला हुआ है ये जानकारी लेने के लिए पहुंचा हूं आरती भाई श्री राजू जी के पास और जानते हैं आज का मंडी का आलू का क्या कुछ बाजार भाव चला हुआ है। आइए जानते हैं आरती भाई से। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज करनाल मंडी में आलू का क्या कुछ बाजार भाव चला है ये जानकारी आज आपसे चाहेंगे हम। आगरा 580 रुपए, डायमंड 620 रुपए। आगरा वो उधर है सर, वो सामने आगरा पड़ा है देखो। हाँ जी, ये 525 580 रुपए, 580 रुपए। और जो उसके पास में लाल आलू है लाल 620 रुपए, 620 रुपए सर। हाँ ये पहाड़ी, ये पहाड़ी है सर। ये चिपसोना पहाड़ी का क्या बाजार था? ये 630 रुपए, 630 रुपए। ये डायमंड 620 रुपए, और ये डायमंड 620 रुपए। सर जैसा बाजार चला हुआ है, अभी बारिश का मौसम चला हुआ है, सब्जियों में तेजी चली हुई है, तो आलू के बाजार पर क्या कुछ प्रभाव चला हुआ है? आलू की भैया अराइवल ज्यादा हो रही है, उस वजह से बाजार पोजीशन बन नहीं रही, बिक्री सुस्त है। बिक्री सुस्त है सर। हाँ। पहले के मुकाबले बिक्री, मतलब अभी बिक्री में कमी आई है? पहले के मुकाबले बिक्री सुस्त है भैया, पहले के मुकाबले माल कम बिक रहा है, उस वजह से रेट बढ़ नहीं रहा। पहले से 20-30 रुपए रेट डाउन है, पहले से रेट भी डाउन चला हुआ है। हाँ, लोडिंग ज्यादा है, पीछे से बिक्री कमजोर है। हर रोज करनाल में कितनी आवक हो जाती है सर आलू की? हर रोज करनाल में हो जाती है 2500-3000 कट्टा। 2500-3000 कट्टा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने आलू के बारे में बारीकी से और विस्तार से जानकारी दी। सर आपका नाम और फर्म का नाम और मोबाइल नंबर जानना चाहूँगा। मेरा नाम है राजू करनाल जी। सर फर्म का नाम सर? मुरारी लाल ट्रेडिंग कंपनी करनाल। मोबाइल नंबर सर अपना? मोबाइल नंबर 9813-66381। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। डबल मंडी के हिसाब से ग्राहक की कम देखने को मिली। घिया भिंडी की आवक ज्यादा है, इसलिए घिया भिंडी के दाम बाद में कम रहे। टमाटर मटर लहसुन शिमला मिर्च का बाजार अभी तेजी की तरफ ही है। ज़्यादातर सब्जियों का भाव अभी ऊपर की तरफ ही है, पर उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि आलू प्याज के दाम अभी भी आम आदमी की पहुंच में है। भाइयों कुछ माल मंडी में परचून बिकता है, जिसका कारण उसका ज़्यादा भाव या कम लागत का होना होता है। उनके भाव इस प्रकार से रहे हैं। अदरक 150 रुपये से 160 रुपये किलो। पीली गाजर 38 से 40 रुपये किलो। भीसे का भाव 100 रुपये किलो। मशरूम भाइयों 120 से 130 रुपये किलो। गवार फली 45 से 50 रुपये किलो। आंवला 100 से 120 रुपये किलो। लाल पीली शिमला मिर्च 300 रुपये किलो। ककोड़ा आज बिका 60 रुपये किलो। परवल का बाजार रहा 35 से 40 रुपये किलो। और कुंदरू भाइयों 22 से 25 रुपये किलो आज परचून में करनाल मंडी में बिका है। भाइयों आज इस वीडियो में हमने आपको बताया आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों के होलसेल ताज़ा भाव क्या रहे हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाइयों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। हर रोज सब्जी मंडी के ताज़ा भाव जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।